मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुजन महापुरुष के अपमान के खिलाफ नागपुर जिले की ओर से बहुजन समाज पार्टी ने दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने और विरोध करने की घोषणा की थी। केंद्र और राज्य सरकार बसपा नेताओं को काले झंडे दिखाकर नरेंद्र मोदी की यात्रा में बाधा डालने से रोकने के लिए नागपुर जिला अध्यक्ष संदीप मेश्राम को गिट्टी खदान पुलिस और जिला उपाध्यक्ष अमित सिंह को हुड़केश्वर पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। बसपा कार्यकर्ताओं ने जैसे ही गिट्टी खदान और हुड़केश्वर थाने में जाकर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया। पुलिस ने दोनों को यह कहकर रिहा कर दिया कि पीएम चले गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रणाम करने के बाद बसपा के वे सभी कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूशन चौक पर एकत्रित हुए और हाथों में विभिन्न तख्तियां और बैनर लेकर पुलिस प्रशासन, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार का सार्वजनिक रूप से विरोध किया। जिला अध्यक्ष संदीप मेश्राम, जिला उपाध्यक्ष अमित सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तम शेवड़े, उत्तर नागपुर विधानसभा अध्यक्ष जगदीश गजभिये, पश्चिम नागपुर विधानसभा अध्यक्ष सनी मुन, मध्य नागपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, दक्षिण नागपुर पूर्व प्रभारी नितिन वंजारी, इस मौके पर युवा नेता चंद्रशेखर कांबले, अभिलेश वाहणे, महिला नेता नजदई वाघमारे ने सरकार के इस मानवीय कृत्य की निंदा की। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।